नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जो लोग हमेशा से ही बात बात पर अभ्यक्ति की आजादी की दुहाई देते आए हैं, वो कैसे खुद ही अभ्यक्ति की आजादी का गला घोटने का काम करते हैं, उसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुरादाबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या हार की हताशा इतनी बुरी हो सकती है कि सरेआम पत्रकारों पर हमले कराए जाएं? क्या लोकतांत्रिक देश में अखिलेश यादव जैसे नेताओं से सवाल पूछना गुनाह हो गया है, जिसकी वजह से कई पत्रकारों को हमले का शिकार होना पड़े? क्या पत्रकारों को नेताओं के मन मुताबिक ही सवाल पूछने होंगे? दरअसल अखिलेश यादव रामपुर से 12 मार्च को इस समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के बारे में जानकारी देने मुरादाबाद आए थे, या उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब अखिलेश यादव से कुछ पत्रकारों ने तीखे सवाल किए तो वो नाराज हो गए। आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते समय आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारिवारिक संबंध और आजम खान पर सवाल पूछा तो उनका गुस्सा भड़क गया, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों ने सपा अध्यक्ष से अलग से बात करनी चाहिए तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने कुछ पत्रकारों के साथ हाथापाई कर दी। शहर के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के साथ मौजूद बाउंसरों ने हाथापाई की, जिसमें 7-8 पत्रकार चोटिल हुए। लेकिन अखिलेश यादव और उनके समर्थक ये भूल गए थे कि जहां ये ऐसी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, वहां के मुखिया भगवादारी योगी आदित्यनाथ हैं, जो ऐसों का अच्छे से सबक सिखाना जानते हैं। अब खबर है कि मुरादाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट मामले में अखिलेश यादव पर आईपीसी की धारा 147, 342, 323 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इतना नहीं, अखिलेश सहित 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इस घटना के दौरान एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से घटना की शिकायत की तो अखिलेश यादव ने गुस्से में पत्रकारों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और सुरक्षा गार्ड पत्रकारों से भिड़ गए और उन्हें दौड़ा कर पीटा। अरे कहाँ गया ए फैसल? मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, देख में। हाँ मगा मगा। क्या हुआ क्या हुआ? सवाल कभी आप पहले राइफल मारी हूँ, फिर अगले सवाल ने कहा कि तुम ये जान पूछ कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है। बस उसके बाद सारी मीडिया वालों को डाउट आके फेंका, और भी चैनल के साथी थे, किसी के मोबाइल टूटे हैं, किसी के कैमरे टूटे हैं, तो हो गए। दरअसल ये मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार फरीद शम्मी हैं, जो बुरी तरह से घायल हो गए। इनके पैर में इतनी चोट आई है कि प्लास्टर चढ़ाया गया। तो ये पत्रकारों का आरोप है कि घटना पर विरोध जताने पर उन पर बिका हुआ होने की तोहमत जड़ी गई। पत्रकार संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए इसे प्रेस की आजादी का गला घोटने वाला कृत्य करार दिया। इस पूरे मामले को लेकर राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला है। विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो लाल टोपी लगाते हैं, लोग उनसे सतर्क रहे, वो कहीं भी किसी की पिटाई कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर सीधा हमला है। उनके सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही पत्रकारों को पीटा है। खैर, अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव और उनके समर्थक इतने क्यों बौखला गए? वो महज सवाल पूछने पर ही हिंसक बन गए। क्या पत्रकारों पर ये इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि इनकी असल सच्चाई देश की जनता के सामने आ रही है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।